हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग रात को मनाली पहुंच गए थे, तो आज है हमारा डे वन मनाली में। सबसे पहले हम लोग आए हिडिम्बा मंदिर। यह एक प्राचीन गुफा मंदिर है जिसका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। इस मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 में करवाया था। और ये मंदिर जो है ये मनाली की शान है। ये मनाली मॉल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और इस मंदिर के चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं। इस मंदिर में हिडिम्बा माता के चरण पादुका भी है और यहाँ पर ना पहले जानवरों की बलि भी दी जाती है, लेकिन अभी काफी टाइम से यहाँ पर जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। और मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर चारों तरफ मंदिर की दीवारों पे ना जानवरों के सींग लगा रखे थे। और मैंने यहाँ पर ना एक बात और नोटिस करी, जहां पर लिखा हुआ था कि जूते चप्पल ना रखे, वहीं पर ही लोगों ने जूते चप्पल रखे हुए थे। देखो जरा, मंदिर के जस्ट मतलब बगल में जूते चप्पल रखे हुए थे, जबकि वहां पर लिखा गया था कि प्लीज अपने जूते चप्पल यहाँ पर ना रखें, नीचे रखें, फिर भी लोगों ने वहीं पर रखे हुए थे। तो अगर आप मंदिर आ रहे तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, जूते चप्पल वहीं रखें जहां पर लिखा गया है कि यहां पर जूते चप्पल उतारें। उसके बाद हम लोगों ने यहां के लोकल ड्रेस पहनी और ये यहां के ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये यहां पर 100 रुपए में मिल जाती है और यहां की जो लोकल लेडी होती है उन्हीं के पास आपको यहां की जो ये लोकल ड्रेस मिलेगी और इसमें सभी लोग यहां पर फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। और यहां पर ना आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे खरगोश भी देखने को मिल जाएंगे। यहां की जो लोकल लेडी होती है वो उन्हीं के पास ये खरगोश रहता है, तो वो इनको देती है हमारे पास ताकि हम लोग इसके साथ फोटो वगैरह खिंचवाएं। और इसके चार्जेस लेती है 20 या 30 रुपए लेती है। और गाइस, मैं आप लोगों को एक खास बात बताऊं, ये जो मंदिर है ना, इसी तरीके का मंदिर हमारे उत्तराखंड में भी है जिसका नाम है देवल सारी, जो कि मसूरी में पड़ता है। वो भी कुछ कुछ हिडिम्बा देवी मंदिर की तरह ही है, क्योंकि ऋतिक वहां जा रखा है तो उसी ने मुझे बताया। और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे मंदिर में, जो कि हिडिम्बा देवी के बेटे का मंदिर है, जो कि इस मंदिर के जस्ट ऊपर है। हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग भी वहां पर चलते हैं, क्योंकि सभी लोग जो भी हिडिम्बा देवी मंदिर आता है वो उनके बेटे के मंदिर में भी आता है। यहाँ पर हमें बहुत सारी लेडी दिखी जो कि यहाँ की लोकल थी, उन्होंने ही हमें बताया इस मंदिर के बारे में। मिस्टर ऋतिक देहरादून से आए हैं मनाली और अभी खा रहे हैं पराठे। और अभी हम मंदिर के पहले दर्शन करके आए, उसके बाद हमने खाए पराठे। और मिस्टर नक्शु खा रहा है मैगी, जो कि उसकी ऑल टाइम फेवरेट है। और मैंने भी पराठे टेस्ट करे, पराठे हमने यही मंदिर के जस्ट बगल में खाए। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर ना आप मंदिर में दर्शन करने के बाद नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ की ना एक खास बात यह है कि यहाँ पर हम लोग जो भी खा रहे थे हमें खाना बहुत टेस्टी लग रहा था। और उसके बाद ना हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे गेम्स खेले। ये जो गेमिंग जोन है ये भी मंदिर के जस्ट पास में ही है। और हरीश ने और नक्शु ने याक की राइड करी। गाइज, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन या वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करना। मैं मिलती हूं तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।